हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके जनवरी माह के करंट अफेयर्स पे। आज के इस वीडियो में हम 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो एडिशन था, यानी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पार्ट टू, वो 7 जनवरी को ऑलरेडी आ चुका है। जिस किसी को भी चाहिए लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई टू दिसंबर और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों के PDF आपके अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको शेयर कर दिया गया सोशल मीडिया में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले नंबर पर देखिए, पहले नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, इसका गठन अभी प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रास रूट स्तर तक खेलों को बढ़ावा देना, यानी निचले से निचले स्तर तक जो प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना, खेलों की गतिविधियों को संचालित करना, खेलों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, खेलों को जो आपके खेलों से संबंधित जो आपके नीतियां हैं उन नीतियों को बनाना, ये सारे के सारे कार्य करेगा आपका ये छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। इस छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का जो गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री, जबकि पदेन उपाध्यक्ष होंगे आपके खेल मंत्री। पदेन अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्ष का मतलब क्या है समझिएगा, पदेन अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे खेल मंत्री। यानी देखिए, ये जो आपके छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया है, इसके अंतर्गत ये जो पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री और पदेन उपाध्यक्ष जो आपकी खेल मंत्री की बात कही गई है, इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर यदि सरकार परिवर्तित भी होती है, अभी जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है, इन फ्यूचर कांग्रेस की सरकार रही ना रही या फिर BJP की सरकार भी आती है, यानी मुख्यमंत्री अगर बदल भी जाते हैं, तो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहेंगे वे इस खेल विकास प्राधिकरण के आपके अध्यक्ष होंगे। यानी ये मुख्यमंत्री का पद इस खेल विकास प्राधिकरण के आपके अध्यक्ष का पद होगा। वैसे ही इसके खेल मंत्री रहेंगे वे इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। तो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री कौन है, आपके भूपेश बघेल जी, और खेल मंत्री कौन है, आपके उमेश पटेल। ठीक, ये जो आपका खेल विकास प्राधिकरण है, इसका जो मुख्यालय है ये है आपका संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर में है। ठीक, इसे याद रखिएगा, खेल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पदेन उपाध्यक्ष खेल मंत्री उमेश पटेल, और आपके मुख्यालय है इसका खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स हॉस्टल ये विकसित किया जा रहा है आपके खुर्सीपार के मिनी स्टेडियम को आपका प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स हॉस्टल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पे खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी ये प्रस्तावित है, अभी इसको विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स आपका हॉस्टल ये कहाँ खोला जा रहा है, ये है आपके खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग। नेक्स्ट है आपका श्रीयंत्र जिसे स्थापित किया जा रहा है या जिसे बनाया जा रहा है, श्रीयंत्र का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, यह है आपके जिला राजनांदगांव डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी मंदिर के प्रांगण में। समझिएगा, ये जो आपका श्रीयंत्र जो है ये आपके राजनांदगांव में आपके बम्लेश्वरी मंदिर, एक्चुअली इसका लोकेशन अभी आपको आगे बताता हूँ, जो श्रीयंत्र है ये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का एक पार्ट है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को चिन्हित किया गया है, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा डोंगरगढ़ आपका कहाँ, राजनांदगांव जिला। ठीक, समझिएगा, ये जो प्रसाद योजना है, इस प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटकों को सुविधा प्रदान किया जाता है, जो आपके धार्मिक स्थलों में पर्यटकों को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रसाद योजना प्रारंभ की गई थी। एक्चुअली में प्रसाद योजना के अंतर्गत 12 स्थलों का चयन किया जा रहा है, जहां पे अभी विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। उन 12 स्थलों में अभी हमारे छत्तीसगढ़ का जगह शामिल नहीं है। उन 12 स्थलों को डेवलप किए जाने के बाद आपके इस स्थलों को डेवलप किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार द्वारा केवल इसका एक प्रारूप मंगाया गया कि डिज़ाइन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, राज्य सरकारों की क्या प्लानिंग है, केवल इनका बस एक प्रारूप मंगाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। समझिएगा, ये जो आपका श्रीयंत्र है ये आपके डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और चंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक, डोंगरगढ़ की पहाड़ी,
प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और चंद्रगिरी की पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों के मध्य इसे स्थापित किया जा रहा है। इन तीनों पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर देखने पर यह एक श्रीयंत्र की तरह दिखाई देगा। यह एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसे इन तीनों पहाड़ियों के ऊपर से देखने पर एक श्रीयंत्र की तरह यह दिखाई देगा। डोंगरगढ़ जहाँ पे बम्लेश्वरी माता का मंदिर है, प्रज्ञागिरी जहाँ पे भगवान बौद्ध की एक प्रतिमा है, और आपका चंद्रगिरी जहाँ पर एक जैन मंदिर है, ठीक। यानी तीन धार्मिक स्थल एक ही जगह कवर हो रहे हैं, समझिएगा। ये जो श्रीयंत्र का जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वहाँ पर्यटकों के लिए, ये इसमें तीन तल होंगे, जो भूतल है यानी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था यानी प्रसादी व्यवस्था, प्रसादी का मतलब ये नहीं जो मंदिरों में जो बांटा जाता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब खान पीन भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें खान पीन की व्यवस्था, कैफेटेरिया होगा, मध्य तल जो होगा यानी जो बीच का भाग होगा वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, और पुस्तकालय होगा, जबकि सबसे टॉप फ्लोर यानी जो ऊपरी तल होगा वहाँ पे ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर होगा, ठीक। तो ये प्रारूप अभी केंद्र राज्य सरकार द्वारा बना करके भेजा गया है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट समझिएगा, राज्य का पहला फिल्म सिटी, राज्य का पहला फिल्म सिटी जिसे विकसित किया जा रहा है, इसके लिए स्पेशली अभी जगह चिन्हित किया गया है, कहाँ, पुरखौनी मुक्तांगन में, पुरखौनी मुक्तांगन के समीप लगभग 250 एकड़ की जमीन वहाँ पे चिन्हित की गई है हमारे सांस्कृतिक विभाग के द्वारा, जो हमारे प्रदेश की जो सांस्कृतिक विभाग है उन्होंने अभी पुरखौनी मुक्तांगन के समीप नया रायपुर में आपके लगभग 250 एकड़ की जमीन चिन्हित की है जहाँ पे फिल्म सिटी विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से एक फिल्म सिटी, और इसी फिल्म सिटी के भीतर आपका फिल्म ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा कहाँ बनाया जा रहा है, आपके नया रायपुर में। नेक्स्ट है आपका राजिम पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला आप सभी को मालूम है लास्ट ईयर जो हमारे प्रदेश की जो नई सरकार बनी उन्होंने राजिम कुंभ मेला का नाम परिवर्तित करके राजिम पुन्नी मेला रख दिया था, तो ये काफ़ी हाइलाइटेड में रहा। तो याद रखिएगा कि जो आपका राजिम, ये जो पुन्नी मेला है ये हर साल आपके माघ पूर्णिमा से इसका आयोजन प्रारंभ होता है और ये मेला चलता है आपके महाशिवरात्रि तक। तो इस साल जो है माघ पूर्णिमा जो कि 9 फरवरी को है जो चलेगा आपके महाशिवरात्रि तक यानी 21 फरवरी तक इस राजिम पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए राजकीय गीत, आप सभी को मालूम है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो अरपा पैरी के धार, जो नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा जो लिखित आपकी जो गीत है अरपा पैरी के धार, उसे राजकीय गीत घोषित किया गया है। हर शासकीय जो कार्यक्रम है उसके आयोजन से पहले ये गीत बजाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन समझिएगा ये जो गीत है इसकी जो वंदन अवधि है, एक पूरी तरीके से इस गीत को गा करके कंप्लीट करने की जो अवधि है, जो वंदन अवधि है वो है आपके 6 मिनट 36 सेकंड, 6 मिनट 36 सेकंड काफ़ी लंबी अवधि है। यदि हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान भी आपके 52 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए प्रदेश सरकार द्वारा इसकी जो अवधि है, वंदन अवधि जो कि एग्जैक्ट है आपके 6 मिनट 36 सेकंड, उसे सीमित करके 1 से 2 मिनट करने का निर्णय लिया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक योजना है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 1 जनवरी 2020 को इस नए योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। प्रारंभ हुआ नहीं है, अभी घोषणा की गई है। अभी आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसलिए ये योजना अभी लागू नहीं हुआ। जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होगा, खत्म हो जाएगा, चुनाव पूरे समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण एवं जो श्रमिक जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि आपके कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है वहां पे जो वर्कर लगे हुए हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित के अंतर्गत यानी कोई जैसे महिलाएं जो कहीं पर जाकर के आपके बर्तन मलती है, या फिर कोई पुरुष जो आपके चपरासी का कार्य करता है, ये आपके असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं। तो निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य है, उन्हें इस मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत यदि ये जो आपके निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने की दशा में उनके परिवार को 1 लाख रुपए तथा दिव्यांगता, ठीक, विकलांग होने की दशा में 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। समझिएगा, इस आप
आपके इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 36 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे। देखिए इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है, ऐसा नहीं है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर असंगठित और निर्माण क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनका जॉब कार्ड बना होता है, उनका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बना होता है। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 36 लाख पंजीकृत श्रमिक लाभान्वित होंगे। अपात्र कौन होगा यानी किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन, यानी ऐसे श्रमिक जो कि मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के कारण, सेवन के पश्चात उनकी मृत्यु हुई है, ठीक, और आपसी मारपीट यानी दो लोगों के आपसी मारपीट में उसकी मृत्यु हुई है या उसे विकलांगता हुआ है या आत्महत्या की दशा में, इन तीन कारणों की दशा में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा यानी वे अपात्र होंगे। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, आप सभी को मालूम है कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं को एक ही योजना में उनको मर्ज कर दिया गया, एक ही योजना में उन्हें शामिल कर दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जिसके अंतर्गत 5 योजना और एक अधिनियम को शामिल किया गया है, 5 योजना और एक अधिनियम को शामिल किया गया है, किसके अंतर्गत? आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उसको डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जो कि संजीवनी सहायता कोष का एक विस्तार है, ठीक, इस डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना और आपका मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, इस दोनों को मिला करके प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक, तो ये योजना की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, जिसे लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020 से पूरे प्रदेश में ये दोनों योजनाएँ लागू हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धनहा ऐप। धनहा ऐप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है कि जो कि आपके गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में अभी धान खरीदी किया जा रहा है, काफ़ी जगह से ये सुनने के लिए मिलता है कि धान खरीदी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, खरीदी में गड़बड़ी हो रही है, टोकन वितरण में गड़बड़ी हो रही है। तो इसे देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा इस धनहा ऐप को डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत धान खरीदी में पारदर्शिता लाने तथा गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। इस धनहा ऐप में जो सुविधा प्रदान की जाएगी, क्या सुविधा प्रदान की जाएगी? पंजीकृत किसान यानी जो धान खरीदी के लिए या जो सरकार को धान बेचने के लिए जो किसानों ने पंजीकरण कराया है, तो उन पंजीकृत किसानों को धान खरीदी के संबंध में टोकन और भुगतान आदि की जानकारी मिलेगी इस धनहा ऐप के माध्यम से। इसके लिए एक शिकायत टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, यदि किसानों को धान खरीदी से संबंधित यदि कोई गड़बड़ी की शिकायत करनी है या कोई सुझाव देना है तो उसके लिए वे आपके 112-1967 और आपके 1800-223-3663, ठीक, 1800-233-3663 इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत और सुझाव सरकार को दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा। देश की पहली इंडियन बास्केटबॉल लीग जिसका आयोजन आपका हो रहा है आपके राजनांदगांव जिले में देश की पहली इंडियन बास्केटबॉल लीग का आयोजन हो रहा है। 3x3 की टीम वाला एक लीग हो रहा है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस याद रखिएगा देश की पहली इंडियन बास्केटबॉल लीग यानी आईबीएल जिसका आयोजन हो रहा है आपके कहां पर? राजनांदगांव जिले में। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल लीग जिसका आयोजन हो रहा है आपके इंडोर स्टेडियम रायपुर में। इसी का बड़ा रूप है आपका इंडियन बास्केटबॉल लीग जिसका आयोजन कहां हो रहा है? आपके राजनांदगांव जिला में। ठीक, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है आपके रूप सिंह जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी है, इनका जो चयन है ये हुआ है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम में, गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में कबड्डी प्लेयर आपके रूप सिंह का चयन हुआ है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके राम सिंह ठाकुर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये नारायणपुर जिले से संबंधित थे, ये प्रदेश के साहित्यकार एवं अनुवादक थे जिन्होंने आपके रामायण और गीता का हल्बी एवं गोड़ी भाषा में अनुवाद किया, नाम याद रखिएगा, राम सिंह ठाकुर। ठीक,
देखिए नेक्स्ट है आपके नवनिर्वाचित महापौर। नवनिर्वाचित महापौर अभी हाल फिलहाल में प्रदेश में आपके नगरीय निकाय चुनाव हुए, जिसमें प्रदेश के 13 नगर निगम में से 10 नगर निगम में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो उसमें कुछ महापौर चुन करके आए हैं, समझिएगा कौन कौन है। देखिए सबसे पहले नंबर पर है, देखिए मैंने मैप के थ्रू समझाया है, संभाग वाइज डिवाइड कर दिया है, समझने में आसानी होगा। टॉप में है आपका चिरमिरी, चिरमिरी जहां पर आपके महापौर चुन करके आई है आपका कंचन जायसवाल, कंचन जायसवाल जो कि महापौर चुन करके आई है आपके चिरमिरी सीट से। नेक्स्ट है अंबिकापुर, अंबिकापुर की जो महापौर बने हैं वो है आपके डॉक्टर अजय तिर्की, डॉक्टर अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर बने हैं। थर्ड नंबर पर है आपके बिलासपुर, जहां के महापौर बने हैं आपके रामशरण यादव। फोर्थ कोरबा, कोरबा में अभी तक महापौर का चुनाव नहीं हुआ, यानी पार्षदों का सम्मेलन आज 10 जनवरी यानी आज पार्षदों का सम्मेलन होगा, पार्षद महापौर चुनेंगे। ठीक, हो सकता है कि आज शाम तक, अभी मॉर्निंग में, आज भी 10 जनवरी ही है, मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी पॉसिबल आज शाम तक महापौर कौन होगा ये मालूम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आज सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, शाम तक न्यूज़ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज में जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, लेकिन फिलहाल अभी कोरबा में कोई महापौर नहीं चुना गया है, आज सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। रायगढ़, रायगढ़ में जो महापौर चुन करके आई है वो है आपकी जानकी काटजू। राजनांदगांव, राजनांदगांव नगर निगम में है आपकी हेमा देशमुख। ठीक, दुर्ग नगर निगम में है आपके धीरज बाकलीवाल, और आपके रायपुर नगर निगम में है आपके एजाज ढेबर। धमतरी नगर निगम में चुन करके आए हैं आपके विजय देवांगन, और जगदलपुर नगर निगम में चुन करके आए हैं आपके शरीफा साहू। टोटल 10 नगर निगम है, जिसमें से 9 नगर निगम में महापौर चुने जा चुके हैं। 9 के 9 सीट पर आपके कांग्रेस के महापौर चुने गए हैं, एक सीट अभी बाकी है, कौन सा कोरबा कौन बनेगा उसका शाम तक आपको पता चल जाएगा। टोटल 13 नगर निगम है, 13 में से 10 नगर निगम के लिए चुनाव हुए हैं। 3 नगर निगम कौन कौन से, भिलाई चरोदा और आपका बिरगांव। ठीक, भिलाई चरोदा दोनों दुर्ग जिले के अंतर्गत आते हैं, बिरगांव जो कि रायपुर के अंतर्गत आता है, जिसमें अगले साल यानी इसी साल चुनाव होने की बात कही गई है। ठीक, इसके अलावा जो आपका नवनिर्मित जो आपका नगर निगम है यानी जो प्रदेश का जो 14वां नगर निगम है आपका रिसाली, उसमें भी चुनाव होंगे, उस पर भी महापौर चुन करके आएंगे। ठीक, तो अभी ये 10 नगर निगम के में आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चिरमिरी सीट है, चिरमिरी सीट, रायगढ़ सीट, राजनांदगांव सीट और ये जगदलपुर सीट, प्रदेश की ये जो 4 सीट है ये महिला महापौर के लिए आरक्षित है। प्रश्न पूछा जा चुका है पीएससी में आपके 2014 या 15 का है। ठीक, जहाँ पे निम्न में से किस नगर निगम सीट जो है आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है करके। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन सा है। देखिए चिरमिरी, राजनांदगांव, चिरमिरी में है कंचन जायसवाल, राजनांदगांव में है आपकी हेमा देशमुख, रायगढ़ में है आपकी जानकी काटजू और जगदलपुर में है आपकी शरीफा साहू, 4 सीट जो कि आरक्षित है महिलाओं के लिए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा जो आपके 13 नगर निगम है, 13 नगर निगम में से एकमात्र ST यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है आपके अंबिकापुर। ST आरक्षित यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, एक है आपका ये रायगढ़ सीट जहाँ पे जानकी काटजू महापौर है, वो है आपके अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। एक और है आपका भिलाई चरोदा जहाँ पे अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, वो भी आपके SC आरक्षित सीट है। ठीक, SC आरक्षित सीट है वो। ठीक, देखिए तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे कवर हो चुके हैं। वीडियो सीरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स आप दिसंबर एंड तक का ही उसे प्रिपेयर कीजिए, नए करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए। सीरीज आते रहेंगे, इस सीरीज को हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए बना रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, देखिए मे बी पॉसिबल महापौर से आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 31 दिसंबर तक के ही करंट अफेयर को प्रिपेयर कीजिए। जो हमारा टेलीग्राम पेज है और आपका टेलीग्राम पेज और जो आपका फेसबुक पेज है, उसमें करंट अफेयर के कंटेंट मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जितने नए करंट अफेयर आपको शेयर करूंगा, आप पुराने चीज़ों को पढ़ना छोड़ करके नए चीज़ों को आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉपर वे में जैसे आपके टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज में जैसे मैं आपके पेपर के कट पीस और कुछ करंट अफेयर शेयर करता था, वैसे प्रॉपर शेयर करूंगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम तक आपका माइंड डाइवर्ट ना हो करके करंट अफेयर के कंटेंट थोड़े से कम शेयर कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड न्यूज रहेंगे उसी को टेलीग्राम और फेसबुक में शेयर करूंगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।